नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके कार फैक्ट्स में। और आज आपके सामने है मारुति इग्निस का बेस मॉडल सिग्मा। इस गाड़ी में टोटल चार वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा। और ये आज आपके सामने है इसका बेस वेरिएंट, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और सबसे ज़्यादा सेल भी इसी वेरिएंट की होती है। मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग इग्निस का बेस वेरिएंट लेना पसंद करते हैं। और इसकी एक शोरूम प्राइस है 5,84,000 रुपये। और आज मैं हूँ जीवन मोटर्स अपोजिट आसिमा माल होशंगाबाद रोड भोपाल में। तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको लगभग 6.5 लाख रुपये के आसपास मिल जाएगी, लेकिन शोरूम में अभी 40,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से 6,10,000 रुपये के आसपास आपको मिलने वाली है। सबसे वैल्यू फॉर मनी डील है और सबसे सही मौका है इस गाड़ी को खरीदने का। ये गाड़ी बहुत ही प्रैक्टिकल है, लोग पता नहीं कैसे इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, जबकि इस गाड़ी में सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से दी गई हैं। पूरा फ्रंट का व्यू देखेंगे तो 1690 mm इस गाड़ी की चौड़ाई है, बीच में क्रोम का लोगो मिल जाता है बड़े साइज का। और साइड में देखेंगे तो थोड़ा सा यू टाइप से डिज़ाइन दिया गया है, इसमें भी क्रोम का यूज किया गया है। पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो बड़े साइज का है, अंदर लो बीम और हाई बीम के लिए हैलोजन बल्ब का यूज किया गया है, रिफ्लेक्टर बेस, और साइड में ही टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। पूरा अगर आप फ्रंट का व्यू देखेंगे ना तो हेडलैम्प यूनिट बड़े साइज का है, डिज़ाइन ज़ोरदार लगता है। नीचे कोई भी फॉग लैम्प नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसको एसेसरीज में लगवा सकते हैं। एक बार पूरा फ्रंट का व्यू देखिए आप इसका, बहुत ज़ोरदार लगता है, मतलब कहीं से कोई डिज़ाइन में कमी नहीं है, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से दी गई हैं। और लुक तो पूरा एसयूवी वाला फील कर आता है। ऊपर बोनट एरिया के ऊपर यहाँ पे वॉफर दिया गया है, डुअल वाइपर का सेटअप दिया गया है। और रूफ में देखेंगे तो पूरी तरह से प्लेन रूफ है, पीछे रेगुलर एंटीना मिल जाता है। अब एक बार हम इस गाड़ी का पूरा साइड का व्यू देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सिर्फ आपको बेस वेरिएंट में फेंडर पे इंडिकेटर मिल रहा है, बाकी सभी चीज़ें बॉडी कलर में ही दी गई हैं। जैसे नॉर्मली कंपनियाँ क्या करती हैं कि बेस वेरिएंट में जैसे डोर हैंडल हुआ, ORVM हुआ, तो ये सभी चीज़ें ब्लैक कलर में दे देती हैं, तो थोड़ा सा बेकार लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। अब एक बार हम इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। 3700 mm इस गाड़ी की लंबाई है और 1595 mm हाइट है। और व्हील बेस की बात करें तो 2435 mm का मिल जाता है। 15 इंच का टायर दिया गया है और इसमें कोई भी आपको कवर नहीं मिलता, स्टील रिम है, आगे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और ऊपर देखेंगे तो ये वाला लुक बहुत शानदार लगता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ज़ोरदार लगती हैं। फेंडर पे इंडिकेटर दिया गया है, बॉडी कलर में ORVM है, इसको आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ हाथ से ही करना पड़ेगा। पूरा विंडो एरिया देखेंगे तो बड़े साइज के, जिसकी वजह से अगर आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना तो अच्छा खासा रूमी सा फील होता है। पीछे वाले टायर में ड्रम ब्रेक है, पूरा डोर हैंडल बॉडी कलर पे ही दिया गया है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो थोड़ा सा डिज़ाइन है, कट टाइप से लगा हुआ है, ये भी देखने में अच्छा लगता है। अब एक बार हम इस गाड़ी का पूरा साइड का व्यू देखते हैं। देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे पीछे का लुक अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सबकी पर्सनल थॉट है। मुझे तो ये गाड़ी बहुत प्यारी लगती है और मेरी फेवरेट गाड़ी है। पूरा रियर का व्यू देखेंगे तो बीच में लोगो दिया है बड़े साइज का क्रोम पे, जैसे आगे आपको मिलता उसी टाइप से पीछे भी दिया गया है। ऊपर नेक्सिया की बैजिंग है और कुछ भी नहीं मिलता, पूरा प्लेन है। ऊपर यहाँ पे हाई स्टॉप माउंटेन लैंप और रेगुलर एंटीना मिल जाता है। उसके बाद पूरा टेल लैंप यूनिट देखेंगे तो ये भी डिज़ाइन देखने में अच्छा लगता है, अच्छा खासा डिज़ाइन किया गया। पूरा हैलोजन बल्ब का यूज किया गया है, यहीं पे इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लैंप और ब्रेक लाइट दी गई है। और इधर 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो 4 रिवर्स पार्किंग वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर मिल जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऊपर इग्निस लिखा हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और पूरा एरिया देखेंगे ना तो अच्छा लगता है। पीछे का रियर बम्पर देखेंगे तो इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, पूरा बॉक्सी टाइप का डिज़ाइन है। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, 180 mm का मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस, पूरा ही एसयूवी वाला फील कराएगा। अब एक बार हम इसका बूट ओपन करके देखते हैं। यहीं पे आपको बटन मिल जाती है जिसको प्रेस करके आप ओपन कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो अच्छी तरह से कवर किया गया है, ये चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं। इसमें कोई भी आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलता, लेकिन बूट इस पर अच्छा खासा मिल जाता है, उसमें आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। और सामान को उतारने और चढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 260 लीटर का बूट स्पेस है और अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो सीट को फोल्ड करके भी कर सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे स्पेयर व्हील रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिसिंग है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे इसमें बेस वेरिएंट है तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन बाकी सभी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। सीट आपको पूरा ही फोल्ड करना पड़ेगा, 60-40 का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। और बूट को बंद करते समय जो आवाज़ आती है ना, थोड़ा सा फील कराती है कि सेफ़ गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है। अब एक बार हम ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सभी चीज़ें ब्लैक कलर में ही दी गई हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ पे डोर हैंडल जो है वो सिल्वर कलर का हाईलाइट होता रहा है अलग से। ऊपर देखेंगे तो मैट कलर का ही ओपनर दिया गया है, पूरा ही सभी चीज़ें ब्लैक हैं। दोनों पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं ड्राइवर साइड वाले, और यहीं पे सारी चीज़ें दी गई हैं। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन का फीचर है और ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छा फील भी कराता है। पूरा हार्ड प्लास्टिक है, नीचे 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं, थोड़ा बहुत सामान और भी रख सकते हैं।
स्पीकर के लिए जगह मिल जाती है। बेस वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन उसको आप शोरूम पे लगवा सकते हैं। पूरा अंदर का माहौल देखेंगे तो अच्छा है। एडजस्टेबल आपको आगे वाले पूरे हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट तो अच्छी खासी चौड़ी वाली है यार, सीट में आप कोई शिकायत नहीं कर सकते, सीट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल जाता है, कितनी भी दूरी अगर आप ड्राइव करेंगे ना आपको थकावट महसूस नहीं होगी। और यहीं पर आप सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं। एक बार मैं पीछे कर देता हूँ क्योंकि जब पीछे चलेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से बता पाऊँगा मैं। यहाँ पर देखेंगे तो सीट की ही हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, आप रिक्लाइन कर सकते हैं। और पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो कुछ इस टाइप से है। सभी चीज़ें अंदर चल के बात करेंगे। इधर देखेंगे तो एसी नॉब का डिज़ाइन दिया गया है सराउंडिंग में। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और कुछ भी नहीं है। हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए दिया है। यहीं पे नीचे देखेंगे तो एबीसी पैडल दिया है। और एक सबसे अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट में आपको डेड पैडल मिल रहा है। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पे लीवर मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। और यहीं पे नीचे देखेंगे तो फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए दिया है। यहाँ पे पन्नी लगी हुई है तो हो सकता है आपको ना दिखे, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये आपको लीवर मिल जाता है इसका फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको एक एक करके सभी चीज़ें बताता हूँ। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो ब्लैक कलर में है। सीट तो अच्छी है, सीट में कोई शिकायत नहीं कर सकते। अच्छी खासी आपको फैब्रिक वाली सीट दी गई है, अच्छी खासी कंफर्ट भी है। पूरा स्टेयरिंग व्हील का डिज़ाइन देखेंगे तो ये पूरा राउंडेड वाला देखने को मिलता है। बीच में लोगो दिया गया है क्रोम पे, बड़े साइज का। दोनों साइड देखेंगे तो हॉर्न है और नीचे एयरबैग मिल जाता है। यहीं पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ भी कंट्रोल नहीं मिलते इसमें। नीचे सिल्वर कलर का यूज किया गया जो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्रीमियम फील कराता है। आगे देखेंगे तो क्लस्टर दिया गया है 200 की स्पीड के साथ। इसमें कोई भी टैकोमीटर नहीं मिलता, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इधर देखेंगे तो वाइपर का कंट्रोल दिया है और इधर आपको हेडलैम्प और फॉग लैंप इंडिकेटर, इन सभी चीज़ों के लिए कंट्रोल दिया है। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको आप टिल्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको टिल्ट का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। इसमें कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन आप इसको शोरूम पे ही लगवा सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो हजार्ड बटन दिया है। उसके नीचे यहाँ पे एसी का कंट्रोल मिल जाता है, एसी विद हीटर है। पूरी तरह से मैनुअल एसी है, बटन अच्छे क्वालिटी के हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट नीचे दिया है। और यहीं पे छोटी सी जगह आप मोबाइल रख सकते हैं, 2 कप होल्डर के लिए जगह दी गई है। उसके बाद आप देखेंगे तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। और यहाँ पे देखेंगे तो हैंड ब्रेक मिल जाता है, कोई भी आर्म रेस्ट नहीं मिलता। और पीछे बॉल्टर रखने के लिए जगह दी गई है। बीच का पूरा एरिया देखेंगे तो देखने में तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पे एसी नॉब का डिज़ाइन है, पूरा स्क्वायर में है, ये भी देखने में अच्छा लगता है। पूरा ही ब्लैक कलर है, हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। ऊपर मिरर मिल जाता है, ये पूरी तरह से मैनुअल है। यहाँ पे लाइट दी गई है हैलोजन पे। और इधर का सनवाइजर देखेंगे ड्राइवर साइड का तो कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से प्लेन है। और कोर ड्राइवर साइड का देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लेन वाला ही मिलता है। इधर एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, ये अच्छी चीज़ है कि आपको एडजस्टेबल वाला मिलता है। कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, बेस वेरिएंट है, उसी टाइप से सभी डिज़ाइन की गई हैं। लेकिन कोई इशू नहीं, देखने में अच्छा लगता है। पूरी तरह से फ्लैट डिज़ाइन है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिल जाती है थोड़ी सी जगह। नीचे देखेंगे तो डिफरेंट साइज के ग्लव बॉक्स है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे चैम्बर टाइप से दिया गया है तो सामान अच्छा खासा आ जाएगा। अब एक बार हम इस गाड़ी की सेफ्टी की बात कर लेते हैं। इसमें 2 एयरबैग मिलते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और दूसरा डैशबोर्ड के ऊपर। उसके बाद ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हील असिस्ट, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जो भी इंपॉर्टेंट फीचर हैं सेफ्टी से रिलेटेड, ये सब कुछ दिया गया है। ये तो हो गया इस गाड़ी के पूरे ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की पूरी कहानी। अब एक बार हम पैसेंजर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो पूरा ही डार्क कलर का यूज किया गया। इस गाड़ी में आपको सेंटर लॉकिंग भी नहीं मिलती, लेकिन ये सभी चीज़ें आप शोरूम से ही लगवा सकते हैं। पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है। और यहाँ पे पीछे का विंडो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, घुमा के करना पड़ेगा। पूरा नीचे देखेंगे तो 0.5 लीटर की बोतल रख सकते हैं और स्पीकर के लिए जगह दी गई है। अब एक बार हम इसका पूरा अंदर का माहौल देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो फिक्स वाले हेडरेस्ट मिलते हैं, एडजस्टेबल वाले नहीं हैं, लेकिन पूरी फैब्रिक में सीट है। कम्फर्ट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा और स्पेस भी अच्छा खासा है। स्पेस में कोई कमी नहीं है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है और रिक्लाइन सपोर्ट भी अच्छा है। तो स्पेस की तो आप सही मानिए तो कोई कमी नहीं है, ठीक ठाक गाड़ी लगती है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, पीछे पैसेंजर के लिए भी दोनों ही साइड दिया गया है। अगर आप पीछे बैठेंगे तो कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन। बस आप इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा लीजिए, उसके बाद पूरी तरह से गाड़ी कंप्लीट हो जाती है। और बाहर आप व्हील पे कवर लगवा लीजिए, उसके बाद और भी कुछ लगवाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से गाड़ी देखने में अच्छी लगने लगती है। अब एक बार हम इस गाड़ी के इंजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे हाईलाइट वाला पार्ट भी है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको बहुत ही शानदार इंजन मिलता है।
1.2 लीटर का BF6 फेज 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन दिया गया है जो 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और इसमें 81 BHP की मैक्सिमम पावर और 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है और ये 4 सिलेंडर इंजन है। इससे लगभग 20 या 21 KMPL की माइलेज भी क्लेम की जाती है। अभी इस गाड़ी में 40,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से सबसे सही टाइम है ये गाड़ी खरीदने के लिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।